आज मैं सिखाऊंगी पति को मैगी बनाना, पति को मैगी बनाना बस ठीक है पति को मैगी बनाना सिखाना नहीं, पति का ही मैगी बनाओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीनाक्षी है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और अभी दोपहर का टाइम है और अभी मैं खाना बनाने जाऊंगी। तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, काफ़ी दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, तो बहुत मुश्किल से मैं स्टिचिंग की वीडियो बना पाई हूँ। तो वैसे आज मुझे दो तीन वीडियो शूट करने हैं अपने फर्स्ट चैनल के लिए, ये मेरा सेकंड चैनल है। तो अभी तो मैं व्लॉग बनाऊंगी, अभी खाना बनाने जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं वीडियो शूट करूंगी। तो थोड़ा बहुत दिखाऊंगी मैं आपको कि मेरा ये आज का दिन कैसा रहेगा। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, और रूम में हमने हीटर चला हुआ है इसलिए थोड़ा बहुत ठीक है। तो हीटर चला के रखते हैं ना, उससे गर्मी रहती है काफ़ी। तो यहाँ पे मैंने हीटर चला हुआ है, यहाँ पे हम बैठ जाते हैं और फिर बाकी का अपना काम करते हैं। तो अभी मैं खाना बनाने जाऊंगी और मेरा जो फर्स्ट चैनल है उसके लिए आज मुझे दो या शायद तीन वीडियो शूट करूंगी मैं, और वो सारी बिगनर्स के लिए हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते थे कि आप बिगनर्स के लिए वीडियो बनाएं जिसमें मैं शुरुआत से सिखाऊंगी, मतलब बेसिक से शुरू करूंगी। तो अगर आपको स्टिचिंग सीखनी है वो भी बिल्कुल शुरुआत से, तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जा सकते हो। वहाँ पर अब मैं बिगनर्स के लिए वीडियो डालूंगी जिसमें मैं मतलब बिल्कुल बेसिक चीज़ें से शुरू करूंगी कि स्टिचिंग आपको स्टिचिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है और बिल्कुल बेसिक, ठीक है। तो वहाँ से मैं अपनी क्लास वन क्लास टू ऐसे करके वीडियो अपलोड करूँगी अब। तो अगर आपको सीखनी है तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जा सकते हो और ये वीडियो देख सकते हो, अगर आपको स्टिचिंग में इंटरेस्ट है तो, ठीक है। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मुझे कॉमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो फटाफट अब मैं जाऊँगी और खाना बनाऊँ क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख नहीं। तो अभी मैं जाऊंगी फटाफट से और खाना बनाऊं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी है और प्रकाश को भी काफ़ी तेज़ भूख लगी है। तुम्हें लगी है ना भूख? तो आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल। बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि मैं कटहल बनाऊं क्योंकि मेरा बड़ा मन कर रहा था कटहल खाने का। तो आज हम सुबह गए थे, काम था थोड़ा सा तो वो गए थे, और फिर मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से मुझे कटहल मिल गया फाइनली। तो यहाँ पे आसपास शॉप पे नहीं मिल रहा था, काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी। तो आज मैं कटहल बनाने वाली हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कटहल। तो चलिए आइए खाना बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अभी मैं आटा गूंदूंगी, ठीक है, और मैं पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि अगर आप गुनगुने पानी से आटा गूंदते हो ना तो आपका जो आटा है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है, और उससे रोटी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है, बहुत ही प्यारी प्यारी सी। तो इसलिए मैं पानी थोड़ा सा गुनगुना करूँगी और उसके बाद मैं आटा गूंदूंगी, फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है उधर, ठीक है, कुकर में। मैंने खाना बना लिया है और अब प्रकाश खाना खाना शुरू करेंगे। ओ भाई साहब, बहुत ही अच्छी कटहल की सब्जी विद चटनी के साथ। जल्दी जल्दी बताओ खा के कैसी लगी, जल्दी जल्दी। अच्छी हो रही, बहुत बढ़िया, अच्छी है। थैंक यू। मैं ही बस आती हूँ, अभी बैठती हूँ। वैसे हम उस रूम में ना, चलो इस रूम में बैठ के यहाँ पे खाना खाते हैं, पर क्योंकि अभी ठंड है और मैंने यहाँ पे हीटर चलाया हुआ है तो इसलिए अभी हम ऊपर बैठ के खाएंगे। तो ये देखिए, ये कपड़े हैं जो मैंने यहाँ पे इसके सामने रख दिए और ये बिल्कुल सूख गए, मतलब मेरे जितने भी कपड़े थे ना सर्दियों में वो सारे मैंने ऐसे ऐसे रख रख के ना इसके सामने सुखा लिए, तो ये वाले भी सूख गए हैं लगभग, बिल्कुल हल्के से थे क्योंकि धूप नहीं हो रही है ना, तो ये बहुत ही बढ़िया फ़ायदा हुआ मेरा इससे। तो अभी मैं इन्हें अंदर रख दूंगी, थोड़े थोड़े कपड़े मैं ऐसे फैला देती हूँ यहाँ पे हीटर के सामने और एकदम से सूख जाते हैं, भाई साहब मज़ा ही आ गया। तो अभी मैं भी खाना खाऊंगी और सबसे पहले आप मिलिए प्रकाश सिंह नेगी जी से। तो आपको मेरे हाथ का खाना कैसा लगता है आप बताएं? बहुत ही अच्छा शशि में। आप जैसे बीबी किसी और को ना मिले।
इसका क्या मतलब था? मतलब इसे खाना बस मुझे खाना है। ओ शशि, तो फिर मेरे भाग्य में ऐसा क्यों नहीं है? आपको कुछ क्यों नहीं आता बनाना? आपने क्यों नहीं सीखा? हाँ, आपको नहीं लगा कि आपकी बीवी को भी ये सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए? इधर उधर उधर क्या देख, चिड़िया आवाज नहीं आ रहा, चिड़िया? आवाज आ रही है कुछ किट किट के। हाँ, अब तो आपका आवाज आनी बंद हो ही जाएगी। कोई बात नहीं, मैंने ना पता है ये डिसाइड किया है कि मैं ना तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। अच्छी कोशिश है। बहुत ज्यादा, मतलब मेरे दिल से इच्छा थी मेरे पति को ना अच्छा खाना बनाना है, और कभी कभी मूड होता है तो तुम मुझे बना के खिलाओ प्लीज। बाहर से ले आएगा उन्होंने। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना है प्लीज। नो मीन्स नो। तुम अच्छे पति हो ना, अब तुम खा रही हो तो खा लो, ना तो मैं सारा खा लूंगा। तो सारा खा लो ना, कोई नहीं, बहुत सारा बनाया ना मैंने। अरे मतलब खा लो फिर सीरीज देखने यार। सीरीज देखें? चलो ठीक है। तो पता है हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे बैठ जाते हैं, जब से सर्दियाँ बहुत सारी हुई है ऐसे यहाँ पे हीटर चला लेते हैं भाई, बड़ा ही गरम गरम मज़ा आ जाता है। ठीक है, कोजी कोजी फील होता है यहाँ पे। और यहाँ पे बैठ के सामने हम रख लेते हैं ये अपना, ये सामने हम रख लेते हैं अपना लैपटॉप, और यहाँ बैठ के हम देखते हैं सीरीज, और सीरीज देख के और ऐसे गरम गरम कोजी कोजी वाले एटमोसफेयर में मज़ा ही आ जाता है भाई। तो चलो मैं भी अब जाऊंगी और मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि प्रकाश ने शुरू कर दिया है खाना खाना। मैं भी अब स्टार्ट करूंगी, और उसके बाद मुझे वीडियो शूट करने हैं। वीडियो बनाने में तुम मेरी हेल्प करोगे? ठीक है, कौन सी वीडियो पहले वाले चैनल के लिए बनाने ना मुझे वीडियो। देख लेंगे। कम से कम 2-3 वीडियो शूट कर लूंगी, फिर मेरा काम ख़त्म, और उसके बाद फिर मैं आराम से आराम करूंगी। ठीक है, तो चलो ठीक है, अभी मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद आपसे मिलूंगी। तो देखिए, मैंने तैयार हो चुकी, मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है ताकि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, और अभी मैं इस वाले रूम में वीडियो शूट कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं शूज़ के लिए वीडियो बना रही हूँ, फ्लिपकार्ट से ये सब मैंने ऑर्डर किया था। तो फिलहाल मैं यहाँ पर, ताकि मेरा बैकग्राउंड अच्छा सा आए, तो यहाँ पर ऐसे रख कर के बहुत सारा सेटअप ये सब करके, क्योंकि ठंड हो रही है बाहर, पता है बारिश हो रही है, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे हीटर रखा हुआ है ताकि गर्म रहे, क्योंकि काफ़ी ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ अपनी शूज़ वाली और बूट वाली। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही कमाल के बूट हैं सारे वो शूज़, तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखना। और इसमें से कुछ शूज़ मेरे हस्बैंड के भी हैं, प्रकाश के, जो कि अभी लेके आ गए हैं यहाँ पे, तो अभी उसका शूट करेंगे हम। और शूटिंग करने के बाद फिर बाकी का, फिर मैं और कम से कम आज 2-3 वीडियो बनाऊंगी, तो मैं दिखाऊंगी आपको। तो अभी शाम हो गई है वीडियो शूट करते करते, और पूरा दिन हो गया हमें यही काम करते करते, तो अभी हमें भूख लगी है। तो मैंने अभी प्रकाश को बुलाया कि थोड़ी सी मैगी बनाने के लिए, और वो पहली बार मैगी बना रहे हैं, तो उन्हें मेरे हाथ की मैगी बहुत पसंद है, तो मैं आज उन्हें सिखाऊंगी कि मैगी कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखिए कि साथ में मिलके मैगी कैसे बनाई जाती है, और जबरन अपने पति से मैगी किस तरह से बनवाई जाती है। तो आइए हमारे किचन की तरफ जी। तो आज मैं सिखाऊंगी पति को मैगी बनाना, पति को मैगी बनाना। बस ठीक है, बस ठीक। पति को मैगी बनाना सिखाना। मैंने पति का ही मैगी बनावा। इतना ही डालो ना दोनों। हाँ, दो ठीक है। ठीक है, अब इसमें ये जो कटे हुए हैं ना, ये सब डाल दो। अभी हाँ, दूर रह के डालना, चम्मच का है वो ही, बड़े वाली निकालना, बड़े वाली और बड़ी। नहीं, हाँ ये ठीक है, पहले शिमला मिर्च, डालो पहले प्याज। प्याज बढ़िया तरीका है मैगी बनाने का, इससे बड़ी टेस्टी सी मैगी बनती है। ठीक है, बस उसे होने तो दो, आराम आराम से करना। मैगी तोड़नी भी आई है ऐसे? हाँ तोड़नी है, और छोटे कर लिया छोटे।
तो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे मैगी कैसे बनाते हैं? हाँ, हिम्मत से बनते हैं मैगी, हिम्मत करनी पड़ती है तब आपको मैगी बनाने की, क्योंकि घर वाली के हाथ खा खा के ना आप हराम भर होती है, आपके बस का कुछ होता नहीं। हराम घोरी खून में बस जाती है ना, फिर क्या करें? ये भी डालना पैकेट, अभी डाल दो। अभी पानी डाल दो बस इसमें। कितना डालना? मैं बताती हूँ कितना डालना। थोड़ा और डालो। ये रेसिपी दो जनों के लिए है। नमक तो डाला नहीं हमने इसमें, स्वाद अनुसार नमक डाल दो। नमक दिखाओ कितना? ओ भाई साहब, ना 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 ना, हाँ थोड़ा कम करो। नहीं नहीं और कम करो, और कम और कम और कम। पानी इतना है यार? नहीं पानी चल जाएगा मेरे हिसाब से तो। उसमें मसाले में होता है ना नमक। नहीं इतना और कम, हल्का सही चाहिए। हाँ बस ये डालो। ओ भाई इतना कम नमक? हाँ ज्यादा नहीं डालना, मसालों में होगा ना नमक जरूर। और कुछ डालना? हल्दी उल्दी कुछ नहीं? नहीं मसाले डालने पहले ये डालना। ये तेज कर दो जरा गैस, इसे थोड़ा सा। हाँ अब ये डाल दो, इसे बीच में से तोड़ना था तुम्हें ना, ऐसे करके तोड़ो, ऐसे हल्का हल्का तोड़ लो, सही रहता है। बस हो गया, अब डाल दो इन्हें। नीचे मत गिराओ, ठीक है। अब एक पैकेट डाल दो अभी, और एक काम करो ये है ना मीट मसाला, ये डालो, इससे अच्छा टेस्ट आ रहा। भाई साहब नॉन वेज खिलवा रही है मुझे। मीट मसाला है वो, ठीक है, नॉन वेज खिलवा रही। और तुम नॉनवेज खाते हो? डाल दो थोड़ा सा, दिखाओ। अरे शेफ हाथ से ही डाल लो। बस हो गया होगा मेरे हिसाब से। नहीं डाल, बस हो गया हो गया हो गया। ये पैकेट कब डालने फिर? ठीक है कौन सा? हाँ डाल दो, अभी डाल दो। पानी तो मुझे कम लग रहा। हाँ थोड़ा सा और डालो, मुझे भी लग रहा कम। क्या बात, तुम्हें भी कम लग रहा? दिखाओ। हाँ डाल दो। हाँ हाँ ठीक, बस अभी भी कम लग रहा मुझे। नहीं अब ठीक है, सही बनाने वो ज़्यादा उबाल के नहीं बनाने, वो मोटी मोटी से आता है उसका टेस्ट खराब हो जाता है। डाल दो दोनों पैकेट, अच्छे से काट दो। इसका मुंह भाई साहब हमेशा छोटा रह जाता है, कहते हैं कि तुम्हें भी काट दो। इसे पूरा ऊपर से पूरा ही काट दिया करो, मैं ऊपर से पूरा काट देती हूँ फिर। ऐसा भी कर सकते हैं क्या? हाँ मैं तो आज तक साइड से करता रहा। नहीं नहीं वो पूरा काटो ना तो फिर जल्दी। ये देखो ये जो मजाक चल रहा है ना, ये नहीं होता फिर। ये पूरा काटो ऊपर से। तुम ना होती तो मुझे मैगी बनानी ना। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे ना तुम्हें पूरा खाना सिखा दूंगी, मैंने ना डिसाइड कर लिया है अब। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया कि ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं बोर हो गई अपने हाथ का खा खा के, पता है इच्छा होती है मेरी भी कि भाई कभी कोई शेफ तो नहीं होते वो हैं, शेफ लोगों को भी खाते होंगे अपने हाथ के, वो तो नहीं होते बोर। क्यों नहीं होते बोर? उनकी बीवी बनाती होगी ना घर पे। अच्छा उल्टे जवाब दोगी आप पति को? कहाँ से सीख रहे हो ये सब चीजें? ये सब चीजें तो मेरे अंदर से ऐसे निकल जाती है। यही तो कमी है। बस 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 बस। वो कब डालेंगे? मैं ऐसे ऐसे करके डालते हैं। ऐसे ऐसे करके कुछ नहीं डालते इसमें। कुछ डालने नहीं। वो भी नहीं करवाया तुमने इसमें आग उगसी भी नहीं लगवाई, वो कैसे करते हैं? आग उगसी इसमें नहीं लगती, वो आग उगसी। बहुत बढ़िया, तुम किचन में हो, टूट फूट की आवाज ना आए। ऐसा कैसे हो? ऐसा ठीक है, अब ताना वाना बंद करोगे मुझे तुम? देखो तो ये बन रही है भाई साहब यहाँ पे मैगी, और उधर बन गई अदरक वाली चाय। अदरक वाली चाय डाल दी अदरक उसमें तुमने? जो यम्मी। नमक यार सही में तुमने तो डाला ही नमक इसमें? अरे उसमें मसालों में पहले से नमक होता है, इसलिए हल्का सा ही नमक डालना चाहिए। वैसे तो नीड ज़्यादा होती नहीं है नमक की, पर यह कि हल्का सा डाल दो ना, थोड़ा स्पाइसी सा मस्त बनता है। करना होता है
ये नहीं हाँ करना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उलझ तो नहीं जाएंगे इनके बाल? कोई नहीं, हम सुलझा देंगे, पेट में जाके सब सुलझ जाएगा। ये देखो कलरफुल सी, कितनी सुंदर सी मैगी हमारी रेडी हो गई है। और इसमें आप वेजिटेबल कोई भी डाल सकते हो, जैसे कि हमने इसमें डाला है कैरेट डाला है, कैप्सिकम डाला है, अनियन डाला है, बस तीन चीज बस बस बस। हाँ बंद कर दो। और इधर हमारी चाय हो रही है रेडी, बस धुआं लग गया इस पे कैमरे पे। तो मेरे प्यारे से पति देव, और जिनसे मैं जबरदस्ती मैगी बनवा रही हूँ, बड़ा ही मजा आता है मुझे ऐसे करने में। कोई नहीं, शुरू में पता है शुरू में थोड़ा सा जोर पड़ता है इंसान को काम करते हुए, उसके बाद ना आदत हो जाती है। तो जब तुम्हें आदत हो जाएगी फिर तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो भाई हमारी चाय हो गई है बिल्कुल रेडी, कितनी सुंदर सी है। प्रकाश चाय तो बढ़िया बनाते हो भाई तुम। और ये है हमारी मैगी, ब्यूटीफुल सी, टेस्टी टेस्टी। तो चलाओ हम खाएंगे साथ में। मस्त एकदम। हाँ बोलो। इसमें नमक डालें अपने स्वाद अनुसार। अच्छा ये रह गया था ना, बड़ा कंफ्यूजिंग है वो। स्वाद अनुसार का क्या मतलब होता है, मेरे समझ में ये नहीं आता। आज तो मजा आएगा, आज तो बहुत ही मजा आने वाला है। चलो फिर वहां चलो ना, मैं ला रहा हूँ। अरे मेरे प्यारा सा पति। चलो 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 वहां चलो, बात करना बताओ। मुझसे काम करवा दे पकड़ के जबरन। लैपटॉप लुक तो दिख रहा है बड़ा। एक मिनट कहाँ पे, अरे यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी ना मैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा लैपटॉप और ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ। अभी वैसे कपड़े तो उठा के मैंने रख दिए, पर अभी ऐसे ही है ये, क्योंकि ठंड हो रही थी तो मैंने इसे ही फैला के यहीं बैठ के वीडियो बनाई। तो तुम बैठो, मैं ये चला देती हूँ। चलो ठीक है, इधर से लाइट्स वगैरह ऑफ कर देती हूँ मैं, हमारी लाइट बड़ी सी। तो अभी इधर आएंगे हम, बैठ के हम अपनी मैगी खाएंगे। हमने एक बार भी छा लिया ताकि नीचे ना गिरे, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। तो मेरे प्यारे से पति ने आज मैगी बनाई है, तो टेस्ट करके देखो बताओ जरा कैसी। मैं खा लूंगा। नहीं हम सब देखेंगे तुम्हें, तुम मैगी कैसे खाते हो। एक सुंदर सा लड़का मैगी कैसा खाता है, कैसा लगेगा ये देखना चाह रहे हैं पूरी दुनिया ना। बताओ कैसा है। वैसे जैसे तुमने बनाया था है? नमक मुझे लगा था कम होगा। नहीं ये परफेक्ट है ना, मैंने कहा था, देखा नमक मसालों में होता है ना, बस एक्स्ट्रा हल्का सा डालना होता है। चाय लिया हुआ। अच्छा ठीक है। हाँ जी, तो अभी हम सबसे पहले तो चाय पियेंगे, मैगी खाएंगे। और अभी वैसे मुझे बहुत सारी वीडियो अब एडिट करनी है, शूट तो मैंने कर ली थी, एक दो वीडियो और शूट करनी है मुझे। वैसे तो काफ़ी लंबी वीडियो आज की बन गई है। तो अभी मैं टेस्ट करूँगी मैगी, प्रकाश ने तो खा ली थी। तो भाई इतनी सुंदर सी मैगी, इधर से दिखाऊंगी मैं, दोबारा दिखाऊंगी ठीक से करके। मैं ज़ूम तो नहीं कर रखा था ना? नहीं। तो ये रही मैगी हमारी, बहुत ही मज़ेदार खाई मैंने, ऐसे खाती हूँ। ये है बस खा लो, वो नहीं गिरने का नहीं है वो। हाँ पहले सही था ना, पर नहीं। क्या मैगी बनाई है यार तुमने, मज़ा ही आ गया। जाल में फंसा रही है मुझे जाल में, ताकि मैं बाकी भी करता रहूँ। सब समझता हूँ मैं तुम लोगों की चाल। ना ना सच्ची में बहुत ही टेस्टी बनी है। इधर दिखा, तुम्हें किश्ती तो मिलनी चाहिए। बहुत टेस्टी बनी है मैगी, सही में मज़ा ही आ गया। मैं मैगी की शक्ल दिखाती हूँ। ये देखो अबे यार, फिर इस पे हाथ लग गया क्या। ये देखो भाई मैगी कितनी टेस्टी है, देखने में भी कलरफुल सी, बड़ी सुंदर और टेस्टी भी बहुत है। तो ऐसे ही बनाना किसी को बनानी हो तो। ठीक है शेफ साहब, कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप, कुछ टिप्स? वो सब वीडियोस में। अलग से नहीं देता मैं है। कुछ एक एक मेरे कहने पे। नमक अपने स्वाद अनुसार। ओह गॉड। तो
ठीक है भाई, अभी हम खाएंगे पूरी की पूरी, ठीक है। तो अभी हम मैगी खाएंगे, ख़त्म करेंगे, उसके बाद मुझे एडिटिंग करनी है, केवल एडिटिंग का काम रह गया है, और शायद एक वीडियो और शूट कर लूँ मैं रात में। तो आज का व्लॉग फिर इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, लाइक करना वीडियो को, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे इंस्टाग्राम पर जा करके फॉलो कर ले, और मेरी जल्दी से मैगी ठंडी हो इससे पहले मैं फटाफट से खा लेती हूँ। तो बाय बाय, आज का व्लॉग इतना ही, प्रकाश बाय करो जल्दी से, मेरे क्यूटी हस्बैंड की तरफ से भी बाय बाय बाय। लाइक लाइक लाइक। अरे हाँ, तुम बोलो ना, तुम्हारी प्यारी यार शक्ल यार देख मैं नहीं के बोल बोलो ना, बोलो ना। रहा। लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।